नमस्कार, प्रभास्वी किन डिशेस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बूंदी चटपटी टेस्टी नमकीन, और इसे बिना हम डीप फ्राई किए बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है और सारी चीजें हमारे घर में मौजूद रहती हैं। प्रभास्वी किन डिशेस रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है पोहा, इसे हम चूरा भी कहते हैं, इस तरीके का। ये बहुत मोटा भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है, आप जिस तरीके का पोहा चाहते हैं ले सकते हैं। आधा कप हमने मूंगफली का दाना लिया है, दो करी पत्ती के डंडे लिए हमने, और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं, बादाम, काजू और पिस्ता। इन सबको मैंने काट करके रख लिया है। पिस्ता को मैंने दो टुकड़े में काट लिया है, और बादाम को भी मैंने दो टुकड़े कर लिए हैं, और काजू को भी मैंने दो टुकड़ों में काट करके रख लिया है। और हमने आधी कटोरी बूंदी लिया है, आधी कटोरी भुजिया, ये सेव भुजिया है, और एक कटोरी हमने चने दाल की नमकीन ली है। इन तीनों की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर बनाया है, आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं बनाना है तो ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, आप खरीद भी सकते हैं। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है, ये मैंने सादा नमक लिया है। एक चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमने मूंगफली का तेल लिया है, आवश्यकता अनुसार डालेंगे। एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, 3 से 4 पिंच हींग और काला नमक, जो स्वाद अनुसार डालेंगे। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेते हैं और इसे गैस पर रखते हैं, और गैस हम ऑन कर देंगे, और इसके अंदर 1 से 2 चम्मच तेल डाल देंगे, इसे गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम पोहा डालेंगे। आप चाहें तो पोहा को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है, इसको ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना है, इसलिए हमको स्लो फ्राई करना है। इसे हल्का सा ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। इसे हमें मीडियम आंच पर बराबर चलाते हुए भूनना है, और आप देख सकते हैं पोहा हमारा फूलना शुरू हो गया है। और इसी तरीके से चलाते हुए हम पोहे को भूनेंगे तो पूरे पोहे हमारे फूल जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे। और पोहा हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, तो हम इसे चेक कर लेंगे, और आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये टूट रहा है और बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। पोहा को मैंने निकाल लिया है, और मैंने कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा तेल डाल दिया है, एक चम्मच तेल। अब इसके अंदर हमें मूंगफली के दानों को फ्राई करना है, तो इसे भी हम बराबर चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मूंगफली के दाने हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं, और ये फूटने लगे हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसे बराबर चलाते हुए मैंने भूना है, इसे तेज आंच पर नहीं भूनना है, धीमी आंच पर ही भूनना है, इसे दाने हमारे पक जाएं और क्रिस्पी हो जाएं, कच्चे ना रहें। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, इसे छन्नी में रख कर निकाल लेंगे, इसमें जो भी तेल होगा नीचे गिर जाएगा, और इसे हम पोहे में डाल देंगे। मूंगफली को मैंने निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं कढ़ाई में हमारे तेल बचा हुआ है, तो अब हम इसके अंदर तेल नहीं डालेंगे, और इसी के अंदर काजू, बादाम और पिस्ता डाल देंगे। इसे भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। इसे हमें धीमी आंच पर फ्राई करना है, तेज आंच नहीं करना है, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स हमारे जल जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बस 10 सेकेंड के लिए इसे हम और भून लेंगे, फिर इसे निकाल लेंगे, और ड्राई फ्रूट्स हमारे भून चुके हैं, और इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1/4 चम्मच, और इसके अंदर एक करी पत्ता डाल देंगे, और इसके साथ ही इसमें हींग डाल देंगे, और इसे धीमी आंच पर हम बराबर चलाते हुए भूनेंगे। जब पत्ते हमारे क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं, हमें इसके साथ इसे भून लेना है। करी पत्ते हमारे क्रिस्पी हो गए हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया है, और मैंने इसे धीमी आंच पर भूना है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं, और इसके अंदर इन सारी चीजों को डाल देंगे, मैंने फ्राई करके रखा है।
उसके साथ ही इसमें बूंदी डाल देंगे, भुजिया डालेंगे, चनेदार नमकीन। पहले इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसे हम एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए अब हम इसके अंदर नमक और मसाला डाल लेते हैं। तो इसके अंदर जीरा पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, मसाला आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। इससे नमकीन हमारा बहुत ही टेस्टी बनता है। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर बनाई है, आप वहाँ देख सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अंदर डालेंगे आमचूर पाउडर आधा चम्मच, थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे एक चौथाई चम्मच, और एक चौथाई चम्मच काला नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये नमकीन खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी लगती है और बहुत आसान तरीके से बन जाती है। ये सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल रहती हैं, हमें ज़्यादा चीज़ लाने की आवश्यकता भी नहीं होती है और इसे जब हम चाहें खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों को इसे दे सकते हैं। ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है, टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। तो इस तरीके से आप नमकीन ज़रूर बनाइए। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद आप इसमें नमक या मसाला टेस्ट कर सकते हैं, जो भी कम आपको लगे और डाल सकते हैं। तो इसे हम सर्विंग बाउल में निकालते हैं और मैंने नमकीन को बाउल में निकाल दिया है और बाकी की नमकीन को हम एक एयरटाइट डिब्बे में भर कर रख देंगे। और इसमें भरने के बाद आप महीनों इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है और जब आपकी इच्छा हो इसे खा सकते हैं। तो मैंने इसे एक डिब्बे में भर दिया है। अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे और ये नमकीन हमारी बिल्कुल सेफ हो गई है, बिल्कुल ये मुलायम नहीं पड़ती है, इसमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, तो ये नमकीन हमारी ऐसे ही क्रिस्पी बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप नमकीन बनाइए। और अगर आपको मेरा ये नमकीन बनाने का तरीका पसंद आता है तो अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।